ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में, 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार आसीन होंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है। अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में, तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, इस बात का आशीर्वाद? या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? या कोरोना में जो हालात देश में पैदा हुए, उस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? या सरहद पर हमारे चीन और पाकिस्तान लगातार आक्रमण कर रहे हैं, किस बात का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं? ये समझ से परे है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर लोगों को भ्रमित कर एक लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और पूर्ण बहुमत आने के बावजूद भी जो वैक्सीनेशन हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर वर्ग और हर इंसान आज पीड़ित है, जवाब मांग रहा है। 9 महीने हो गए जब से कृषि कानून बने हैं देश में तीनों, तब से लगातार किसान आंदोलित है, उन पर दमन किया गया, उनको धमकाया गया और ये रीति नीति है। जासूसी आप करेंगे, किसानों को आप धमकाएंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन न्याय की बात नहीं करेंगे। जिद है और इस प्रकार की जिद लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन हम सब संकल्पित हैं। कृषि कानून के खिलाफ हमारी पार्टी का रुख साफ है। आज भी हम चाहते हैं कि देश हित में, किसान हित में ये तीनों बिल वापस लेने चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी ये जिद छोड़कर सुनना चाहिए धरातल पर क्या आवाज़ आ रही है। ये यात्राएं निकालकर लोगों का भ्रमित करने से कुछ पार पड़ने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें बोली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कई मर्तबा किया, तब जाके थोड़ा बहुत संतुलन करने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से कोशिश की गई, लेकिन आज भी किसान, मध्यम वर्ग, नौजवान पीड़ित है, दुखी है। और जिन लोगों को वोट देकर आपने सत्ता में बिठाया, वो आपकी बात सुनने से मना करें, आपके अधिकारों का हनन करें, जासूसी और पेगासस के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया गया है देश में, जिसको मैं समझता हूँ आज का नौजवान पसंद नहीं करता है। इन सब बातों के खिलाफ हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये संदेश जनता तक पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में चुनाव होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले जो 4-5 राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ पर अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, बारिश नहीं हो रही है वेस्टर्न राजस्थान में, काफ़ी लोगों की दोनों बातें हुई हैं, कई जगहों पर अतिवृष्टि हुई है, बारिश ज़्यादा पड़ी है, फसलों को नुकसान हुआ है, हाड़ौती में खासकर। और कल मैं हिमाराम जी के छोटे भाई का निधन हुआ था, वहाँ पर सांत्वना देने गया था बाड़मेर में, तो पश्चिम राजस्थान में यहाँ पे कई जिलों में बारिश कम पड़ी है। दोनों जगह मुझे लगता है हम लोग पूरी मदद करेंगे और जो गरीब तबका है, किसान है, उसको उम्मीद हम लोगों से है, इसलिए हम लोगों से आगे मांग भी करते हैं। तमाम मांगों पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम परेशान नहीं होने देंगे। हमारी सरकार, हम सब लोगों का, हमारी पार्टी का एक कर्तव्य है। जनगणना को लेकर देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है, इसमें अलग अलग पार्टी अपनी राय रख रही हैं। कल भी बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो आंकड़े वास्तविकता में प्रमाणित हों, उसके आधार पर अगर हम कानून बनाएंगे, कार्य करेंगे, तो वो अधिक कारगर होते हैं। और टारगेटेड लोगों को फोकस करना चाहिए, जो लोग वंचित रह गए हैं संविधान के दायरे में, उनको मदद देने का जो प्रावधान था, अगर कहीं छूट गया है, तो सब लोगों को मिलकर इस दिशा में बढ़ना चाहिए, ताकि जो सबसे आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, परिवार हैं, उन लोगों तक हमारी मदद पहुंचनी चाहिए। उसके बारे में AICC बोल चुकी है, अजय माकन जी अपनी बात रख चुके हैं, अब आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।